जय श्री कृष्णा दोस्त, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज और बात करेंगे हम भगवान शिव के पूजा पाठ विधि के बारे में, उनको कैसे कम समय में किस पूजा विधि से उनको शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न किया जाए और क्या हम गलतियां करते हैं कि जो हमको फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं बम भोले का नाम लेकर ओम नमः शिवाय को उच्चारित करते हुए। तो दोस्तों भगवान शिव का महीना सावन चल रहा है, सावन मास्टर में नाम से भी कथाएँ किताबें उपस्थित हैं और भगवान शिव बम भोले भंडारी शीघ्र अतिशीघ्र आशुतोष बोला जाता है जिनको प्रसन्न होने वाले हैं। तो उनकी पूजा पाठ कब करें, कैसे करें, यह आपको मैं बताता हूँ। भगवान शिव की पूजा अब ब्रह्म मुहूर्त 3 से लेकर 6 बजे के बीच सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिसका फल 100% मिलता है और हाथों हाथ मिलता है। द्वितीय पूजा मध्यकाल में कर सकते हैं आप, तृतीय पूजा सायंकाल में कर सकते हैं आप, लेकिन सबसे अच्छी पूजा जो है जो शीघ्र अतिशीघ्र रिजल्ट देती है वो है ब्रह्म मुहूर्त की पूजा। तो उत्तराभिमुख पूर्वाभिमुख बैठकर आप भगवान शिव को पूजा कर सकते हैं। आसन उनका हो तो बहुत अच्छा रहता है, लाल कलर पीले कलर का हो और भी अच्छा रहता है, काले कलर का ना हो, काले वस्त्र भी धारण ना करें, नीले वस्त्र भी धारण ना करें। अब भगवान शिव को आप तुलसी पत्र शंख सिंदूर ये अर्पित ना करें, अगर ये हो तो उस मंदिर से उन चीज़ों को निकाल दें। भगवान शिव को जो जल है वो शुद्ध हो, गंगा जल हो, ताम्र के लोटे में अगर चढ़ाया गया हो, मात्रा उसकी आपको बता देता हूँ 1.25 लीटर हो तो बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए आप चढ़ा सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, या सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ वो है जो आपका हर काम बना देगा, भगवान शिव को प्रसन्न करके ही मानेगा, वो चीज़ है भगवान श्री राम का नाम। क्योंकि उन्होंने कहा भी है राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रांत तुल्यम राम नाम मरण, हे देवी मैं तो राम नाम में ही रमण किया करता हूँ। तो आप प्रभु श्री राम का नाम राम 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 कहते हुए भी जल अर्पित कर सकते हैं, फिर आप देखिए कितना जल्दी आपकी इच्छा पूर्ण होती है। या और भगवान शिव को जल आपने अर्पित कर दिया, फिर है सबसे महत्वपूर्ण बात बिल्वपत्र अर्पित करना, शीत प्रकृति का होता है, भगवान शिव ने जब हलाहल ग्रहण किया था तो उन्होंने बिल्वपत्र खाया था पिया था, तो इसमें इतनी शीतलता है कि उन्होंने उसको ठंडा किया। तो अगर आप बिल्वपत्र नहीं चढ़ाते हैं तो भी पूजा अधूरी मानी जाती है। 5, 21, 51, 1 करोड़ तक आप बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बिल्वपत्र 3 पत्तों वाला है, काला लाल खंडित फटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि लाल चंदन हो, तीनों पत्तों पर लाल चंदन का आप लेप कीजिए, फिर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। शादी के लिए आप कर रहे हैं तो पीली वस्तुओं का दान कीजिए, उमा और महेश की गठजोड़ी कीजिए और उनसे विवाह की प्रार्थना की। पीली वस्त्रों का, पीले लड्डुओं का, पीली दाल का, कैले का आप मंदिर में जाकर दान कीजिए, इससे शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और आपको मंत्र बोलना है ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, इसका जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, भगवान शिव प्रसन्नता के लिए मैंने आपको बताया भगवान श्री राम का नाम लेते हुए आप जल अर्पित कीजिए। यदि आप सब कॉन्शियस माइंड को खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जानते हैं आपके अंदर काफ़ी है पर वो सामने नहीं आ पा रही है, जाहिर नहीं हो पा रही, किसी से चारण छुपी हुई है, तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ध्यान रहे कि 8 बार जाप ओम नमः शिवाय का नहीं करते अशुभ फल प्रदाता होता है। और शिवलिंग की पूरी परिक्रमा भी ना करें तो भी फल पूरा नहीं मिलता। जब हम उनको अर्पित करते हैं जैसे चावल, काले तिल, दाल, फल फ्रूट, तो सीधे ही शिवलिंग पर नहीं रखते, चावल है तिल है इनको आप पहले गीला कीजिए, जल में किसी कटोरी में डालकर गीला कीजिए, फिर आप अर्पित कीजिए। फल फ्रूट है उनको सीधे मत रखिए, उनको हाथ में दिखाकर शिवलिंग के सामने फिर साइड में रख दीजिए, वो स्वीकार हो जाता है।
और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ अनाज ग्रहण नहीं करते, उसको ब्राह्मण ही ग्रहण कर सकते हैं जो सेवा पूजा पाठ करते हैं उस मंदिर की। फिर आपको जो भी समस्या हो उससे संबंधित पाठ कर सकते हैं, जैसे शिवलिंग के सामने अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्तोत्र जाप करते हैं, उसका 10 गुना 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। स्तोत्र पढ़ते हैं, जैसे आपको शनि से परेशानी है, राहु से आपको परेशानी है, तो दशरथ के शनि स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। राहु से परेशानी है तो राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं, और शिवलिंग पर, शिवलिंग के सामने भगवान शिव को आप द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ अवश्य करें। रामायण की चौपाइयाँ आप सुना, कलयुग है, कलयुग में आप कितनी भी कैसे भी एक श्लोक भी अगर पढ़ते हैं तो भी बहुत चमत्कारी होता है। भगवान रामायण है उसकी चौपाइयाँ सुना सकते हैं, सुंदरकांड है उसकी चौपाइयाँ सुना सकते हैं, किष्किंधा कांड है जिसमें हनुमान जी को बल याद दिलाया था जामवंत जी ने, उसको सुना सकते हैं, और अयोध्या कांड की 7-8 चौपाइयाँ हैं जिसमें भगवान श्री राम जब माता सीता से विवाह करके आए थे उसकी 7-8 चौपाइयाँ हैं, तो वो भी आप उनके सामने सुनाइए। फिर देखिए आपके धन के भंडार कैसे बढ़ते हैं, फिर देखिए आपकी हर खुशी, हर मनोकामना कैसे पूर्ण होगी, कैसे खुशी आपके घर कदम चूमेगी। भगवान श्री राम के 108 नाम का भी आप स्मरण कर सकते हैं, भगवान शिव के भी 108 नाम का आप स्मरण कर सकते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखिए, अगर जल नहीं चढ़ाया, बिल पत्र नहीं चढ़ाया तो पूजा सफल नहीं होती। पंचामृत से भी आप उनको पूजा कर सकते हैं, लेकिन पंचामृत साथ मिलाकर नहीं, अलग अलग, जैसे पहले घी से, फिर आप दूध से, दही से, शक्कर आप मिला सकते हैं जल में या दूध में मिला सकते हैं, और शहद से आप कर सकते हैं, बारी बारी से नंबर लेकर आप। और पंचामृत जो है, रुद्राभिषेक जो है, वो समय देखिए भगवान शिव की उपस्थिति कहाँ है उस स्थिति के लिए फिर आप करेंगे। और भगवान शिव से या किसी भी देवी देवता से हम मांगते हैं तो थोड़ा कुछ बोलिए, जैसे कि आवाज़ आए, इतनी आवाज़ आनी चाहिए कि भगवान के पास, जिसके पास आप पूजा कर रहे हैं उसको पता चल जाए, सुन जाए, तो थोड़ा सा आवाज़ अवश्य निकलनी चाहिए। हम क्या है कि मन में ही मांगते हैं इसलिए इच्छा पूर्ण नहीं होती, तो इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखिएगा। और शिवलिंग की जब आप पूजा कर लेते हैं तो सफाई अवश्य कीजिएगा, हो सके तो भगवान शिव के मंदिर की सफाई अवश्य कीजिए, राहु इतना शुभ हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। शिवाष्टक है, रुद्राष्टक है, शिव तांडव का मैंने वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं उसको कब पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए, क्या उसका लक्ष्मी कनेक्शन जो है मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये था भगवान शिव से संबंधित जो मैंने आपको बताया, कुछ नियम भी थे, पूजा पाठ विधि थी, सोमवार व्रत विधि, आसन का ध्यान अवश्य रखिएगा, काला नहीं होना चाहिए, ऊन का हो अच्छा है, लाल हो पीला हो, पूजा पाठ करने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो आसन को पहले मोड़ा जाता है, प्रणाम करके फिर उठा जाता है, और पूजा संपूर्ण हो गई, गलती हो गई हो तो कैसे क्षमा मांगे, तो जल लीजिए सीधे हाथ में और भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान को गलती को क्षमा, ये आपकी क्षमा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी कई वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं जैसे सुंदरकांड के बारे में, विनियोग कैसे करते हैं, माँ दुर्गा को क्या भोग लगाया जाए, क्या मिलता है आदि, राशियों के बारे में डाल रखा है, आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और क्लिक कीजिए, वहाँ मैंने लिंक डाल रखे हैं, सुनिए, जो भी आपका सवाल हो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।